एशिया कप में आज फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला खेला जाएगा। दरअसल रिजर्व डे पर यह मुकाबला खेला जाएगा क्योंकि कल बारिश की वजह से मैच पूरा नहीं हो पाया था। भारत और पाकिस्तान के मैच में बारिश विलन बन गया था। बारिश के कारण कल केवल 24.1 ओवर का ही खेल हो पाया था। टीम इंडिया ने 2 विकेट पर 147 रन बना लिए थे। दोनों ही ओपनर ने शानदार शुरुआत की थी और शतकीय पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद बारिश शुरू हो गई, लिहाजा रिजर्व डे जो आज के लिए रखा गया था। और इसी दिन आज मैच दोपहर ठीक 3 बजे से शुरू किया जाएगा, यानी 24.1 ओवर से आगे आज मैच शुरू किया जाएगा। तो एशिया कप के सुपर फोर स्टेज में भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला होगा। बारिश और गीली आउटफील्ड के बीच कारण रविवार को मुकाबला नहीं हो पाया था। अब मुकाबला आज दोपहर ठीक 3 बजे से कोलंबो के प्रेमादास स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोबारा वहीं से शुरू होगा जहां पर रोका गया था। खेल रोके जाने तक टीम इंडिया ने 24 ओवर और 1 गेंद पर 2 विकेट खोलकर 147 रन बना लिए थे और इसी स्कोर के सहारे अब टीम इंडिया आगे खेलेगी। कल हाफ सेंचुरी जमाकर आउट हुए थे रोहित और गिल। मैच रुकने से पहले टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 24.1 ओवर में 2 विकेट पर 147 रन बना लिए थे। जिस समय मैच रोका गया उस समय विराट कोहली 8 रन और केएल राहुल 17 रन पर नाबाद थे। बात अगर शुभमन गिल की जाए तो वो 58 रन बनाकर आउट हुए थे। उन्हें शाहीन शाह अफरीदी ने सलमान अली आगा के हाथों कैच करवाया था। उससे ठीक पहले कप्तान रोहित शर्मा 56 रन के स्कोर पर शाबाद खान के हाथों फहीम अशरफ ने उनका कैच लिया था। बॉलर शादाब थे, तो शादाब बॉलर थे और उस समय रोहित शर्मा आउट हुए थे। हालांकि दोनों ने ही अर्धशतकीय पारी खेली थी, लेकिन आज की जो मैच है वो बेहद अहम है। आज फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच मैच शुरू होगा। हालांकि कोलंबो में आज सुबह से बारिश हो रही थी, लेकिन अभी जो ताजा जानकारी मिली है उसके मुताबिक वहां पर धूप खिली हुई है। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि मैच आज संभव हो सकता है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि आज फिर से शुरू होगी भारत की पारी। रिजर्व डे में भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत होगी। एशिया कप से बाहर हो सकती है टीम इंडिया। नए नियम ने मुश्किलों को बढ़ा दिया है। लगातार 3 दिन खेलने होंगे मैच। नया नियम परेशानी को बढ़ा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, एशिया कप से टीम इंडिया बाहर हो सकती है। और इसी पर हमारे साथ हमारे 3 खास सहयोगी जुड़े हैं। हसन दुरानी हमारे साथ लाहौर से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ सुशील दोषी जी जुड़ रहे हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ मनोज जोशी जी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर जुड़ रहे हैं। आप तीनों खास मेहमानों का बेहद स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मनोज जी मैं आपके साथ करना चाहूँगा। आज का मैच बेहद अहम है क्योंकि अगर आज मैच नहीं हो पाता है तो कल श्रीलंका के साथ मैच होना है, वहाँ भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। और अगर ये मैच नहीं हो पाता है तो ये तय मान के चले कि टीम इंडिया टॉप 2 में जगह नहीं बना पाएगी, यानी एशिया कप के अगर फाइनल की बात करें तो फिर श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच मुकाबला संभव हो सकता है। जी हाँ आशीष, सबसे डराने वाली खबर बता दूं क्योंकि पल पल मौसम का मिजाज बदल रहा है। और अभी आपने जो बात की कि धूप हल्की खिली हुई है, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल पलट गई है। अभी कुछ देर पहले, चंद कुछ मिनट पहले खबर आई है वहाँ कोलंबो से कि वहाँ बारिश होने लगी है। यानी बारिश होने का मतलब है खेल समय पर नहीं शुरू हो पाएगा, ये अब तय हो गया है। और कल जिस तरह से एक बहुत ही गैर पेशेवर रुख दिखाई दिया, पंखे से सुखाया जा रहा था, 3 पंखों को लेकर जो रनअप है बॉलिंग मार्क पर वहाँ काफ़ी गीला था और पंखे का इस्तेमाल किया गया और अचानक बारिश कल हुई थी, तो उस वजह से जो है बिछाने के लिए वो जो कवर्स बिछाए जाते हैं उसको लाने में काफ़ी विलंब हुआ। और तो और मैं फ़ख्र जमान की तारीफ़ करूंगा, पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज, वो दौड़े और उन्होंने जो ग्राउंड स्टाफ है उनके साथ
कवर्स को खींचकर लाने में मदद की। तो ये एक अच्छी खेल भावना का उन्होंने परिचय दिया। लेकिन कल जिस तरह से खेल पहले जो है पानी बरसा, उसके बाद शुभमन गिल और रोहित शर्मा का बल्ला बरसा, उनसे रन बरसे, और उसके बाद फिर पानी बरसा, और आज फिर पानी बरसा है, तो ये क्रिकेट के लिए आगे के लिए बहुत अच्छा साइन नहीं है। बहुत अच्छा साइन नहीं है। लेकिन हसन दुरानी साहब, कल जिस तरह से दोनों ओपनर ने बैटिंग की, चाहे गिल ने की हो चाहे रोहित शर्मा ने की हो, दोनों ने बेहतरीन पारियां खेली, अशतकीय पारियां खेली। लेकिन दोनों ही मुल्क के जो क्रिकेट प्रेमी हैं वो ये चाहेंगे कि आज किसी भी तरह से बारिश रुके, कम से कम मैच जो है वो पूरा हो। बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। लेकिन सब देखिए, हमारे जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर बैठे हुए हैं, मैं पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, आप इंडिया में बैठे हुए हैं, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, कोई भी ऐसा मुल्क जो कि इस टूर्नामेंट के अंदर जो अपना हिस्सा ले रहा है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी जो तमाम की तमाम आवाम है वो बिल्कुल यही चाहते हैं कि एक अच्छा क्रिकेट मैच या एक अच्छा टूर्नामेंट जो है वो हमें देखने को मिले। लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम काफी, जब से ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था उस वक्त से लेके अब आज के दिन तक जो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि जनाब, जब तमाम जो पार्टिसिपेंट जितने भी थे इस टूर्नामेंट के, जब उन्होंने ये कहा था कि जो कोलंबो है उसका जो वेदर कंडीशन इस काबिल नहीं है कि वहाँ पे मैचेस हो सके, वहाँ पे 90% 80% जो बारिश जो है वो रेन के चांसेस हैं, तो लेकिन उसके बावजूद जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो हमारे सदर हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो उन्होंने इस बात को बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, कहना तो नहीं चाहिए, शायद उन्होंने इसको अपनी अना का मसला बना लिया, उन्होंने इसको अपनी इज्जत बेइज्जती का मसला बना लिया। अभी आप देखेंगे कि जैसे ही ये सुपर फोर मरहले का जो जब स्टार्ट होने वाला था राउंड, जो उसमें ये कहा गया था कि जो हम्बलटोटा में जो है वो तमाम के तमाम मैचेस को ट्रांसफर कर दिया जाए, और उसके बाद सोशल मीडिया पर भी और मीडिया के ऊपर भी ये खबरें जो थी वो आनी शुरू हो गई कि सुपर फोर के जितने भी मैचेस हैं वो सारे के सारे हम्बलटोटा में जो है ट्रांसफर कर दिए गए। लेकिन उसके चंद ही घंटों के बाद जो था वो प्रेजिडेंट ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से जो है वो उनका बयान आ गया, उन्होंने कहा कि जो मर्जी हो जाए तमाम के तमाम जो मैचेस होंगे वो कोलंबो में होंगे, और उसका रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। अभी देखिए, मैं तो इस बात में बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ इंडिया की टीम जो है वो बाहर निकल जाए, लेकिन अभी जो सिचुएशन आपने बताई है, मनोज साहब ने सिचुएशन बताया नहीं, लेकिन हसन साहब मुझे लगता है कि आप भी यही चाहेंगे कि जो फाइनल मुकाबला हो एशिया कप का, उसमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वही आमने सामने हो, जो बेहतरीन टीमें हैं वो आमने सामने आए। देखिए, मैं आपसे यही बात कर रहा हूँ कि मैं तो बहुत दुखी हूँ इस वक्त। देखिए, कल की अगर हम सिचुएशन की बात करते हैं, तो इससे पहले तक अगर मैं बात कर रहा हूँ, जो लास्ट मैच हुआ था जो कि जो राउंड मैच था उसमें अगर बात करते हैं, तो आप ये देखें कि इंडियन बैट्समैन जो थे उस तरह अच्छे तरीके से नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन कल का जो मैच था उन्होंने जो ओपनर्स जो ओपनिंग जो बल्लेबाज थे उन्होंने बड़ी जवा मर्दी से और दलेरी के साथ उन्होंने शाहीन का और नसीम का उन्होंने सामना किया, और बहुत अच्छी थी उनकी बॉडी लैंग्वेज थी। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो आपके सामने है, पिछला एक मैच है वो भी व्हाइट वॉश हो चुका है, ये वाला मैच ये भी व्हाइट वॉश तकरीबन होने वाला है, क्योंकि आज भी जो है मोर देन 80% चांसेस है बारिश के। और यह ये चीज देखनी चाहिए, देखिए जैसे अभी आपने बात किया कि इंडिया और पाकिस्तान जो बड़ी टीम है, तो सर देखिए, जो भी स्पॉन्सर है यहाँ पे आपके जो टीवी चैनल्स हैं जो कि मैचेस को दिखा रहे हैं, तो सर उन्होंने भी तो पैसे कमाने हैं। अब अगर इस तरह की सिचुएशन हो, और हम पिछले ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि भाई आप इन मैचेस को यहाँ पे मत रखो, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकता है, वेदर कंडीशन ऐसी हो सकती है, लेकिन जो प्रेसिडेंट साहब है वो पता नहीं क्या किस बात का गुस्सा खा के बैठे हुए, उन्होंने कहा जो मर्जी हो जाए, जो मैंने डिसीजन ले लिया मैं उससे एक एक इंच भी पीछे नहीं हटने को तैयार नहीं। और जिसका रिजल्ट, इस सवाल का जवाब सुशील दोषी साहब से ले लेते हैं। सुशील दोषी साहब, जब इस तरह की बातें, जिस तरह की बातें हसन दुरानी साहब कह रहे हैं कि भाई मैच के पहले हमें ये पता होता है कि वहां की वेदर कंडीशन क्या होगी, और ये भी हम देखते हैं कि दोनों ही जो टीमें हैं वो हाई प्रोफाइल टीमें हैं और इन पे स्पॉन्सरशिप बहुत ज्यादा है, इन पे जो व्यूज हैं वो बहुत ज्यादा हैं, तो ऐसे में क्या दूसरी जगह मैच शिफ्ट करने को लेकर भी बातचीत होती है, किस तरह से ये फैसला लिया जाता है? नहीं देखिए, जो फैसला तो पहले ही लिया जा चुका था कि मैचेस यहाँ पर होंगे, फिर पहले हमने देखा था कि जहाँ मैच हो रहे थे कैंडी में उसके बजाय कोलंबो में रखे गए, लेकिन कोलंबो में भी बारिश पीछा नहीं छोड़ रही। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एशिया कप को ज्यादा सावधानी से और ज्यादा महत्व के साथ पूरी तरह से खेला जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा जिस तरह से मैचेस हो रहे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा खिलाड़ी खेल चुके हैं, अभी विश्व कप के मैचेस भी आ रहे हैं,
तो विश्व कप पर सभी का ध्यान है, उसके ठीक पहले एशिया कप खेला जा रहा है। ये हमारे एशियाई देशों के जितने भी क्रिकेट टीमें हैं उनके लिए ये बहुत बड़े अभ्यास की बात थी। बड़ी बड़ी टीमें एशिया की जैसे श्रीलंका है, भारत है, पाकिस्तान है, कड़ी प्रतिस्पर्धा से गुजरते तो विश्व कप के लिए एक अच्छी तरह से प्रतिस्पर्धा कर सकते थे और अच्छी तरह से अपनी अपना चैलेंज, अपनी चुनौती प्रस्तुत कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर देखिए बारिश ने सब रंग में भंग कर दिया, जिसको कहते हैं ना। और एक बात मुझे ये अच्छी लगी कि पहले मैच में तो भारत काफी खराब बल्लेबाजी कर रहा था और पाकिस्तान के तेज आक्रमण का बिल्कुल भी सामना नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही दूसरा मैच आए योजनाएं अलग तरह की बनी। उन्होंने सोच लिया कि जवाबी हमला करके ही इससे बचा जा सकता है, इससे निजात पाने का एक ही तरीका है कि जवाबी हमला करें और खेल को विरोधी की गली में जाकर खेलें। वही भारत ने किया और जब ऐसा किया तो दबाव हट गया, दबाव पूरी तरह से पाकिस्तान के ऊपर पड़ गया। जैसे कहते हैं ना, आप सरगना पर अब दबाव डाल दो तो बाकी की टीम उतनी विश्वसनीय नजर नहीं आती है। तो हमने देखा शाहीन अफरीदी पर जब दबाव पड़ा, उन पर चौके के चौके पड़ने लगे, तो फिर भारतीय जो पुराना भारतीय बल्लेबाजी का रंग था वो उभर कर आया और पाकिस्तान के जितना भी आक्रमण था थोड़ा कमजोर साबित। सुशील सर, कल हमने ये भी देखा था कि शुरुआत में रोहित शर्मा जो थे उन्होंने स्लो जरूर शुरुआत की थी, लेकिन बाद में वो भी फॉर्म में आए, उन्होंने भी छक्के चौके लगाने शुरू कर दिए। नहीं, ये बात तो सही है कि देखिए रोहित का एक बात तो है कि वो आउट स्विंगर्स से और अंदर आती गेंदों पर बहुत परेशान रहते हैं और खास करके हमने देखा शाहीन ने उनको काफी परेशान किया था पिछले मैच में और इस मैच में हमने देखा नसीम शाह ने उनको काफी परेशान किया। एक तो पूरा ओवर एक भी गेंद को छू नहीं पाए, लेकिन सबसे बड़ी बात बड़े खिलाड़ियों में यही रहती है कि पिछली गेंद पर क्या हुआ वो याद रखने की जरूरत नहीं। जैसा कहते हैं ना, बीती ताही बेसारी से आगे की सुधी ले, तो वो क्या करते हैं अगली गेंद को फिर ऐसे खेलते हैं जैसे पहले कुछ हुआ ही नहीं हो। ये बड़े खिलाड़ी की निशानी है, वो टिके रहे, अर्धशतक पूरा किया, पाकिस्तान पर दबाव डालते रहे और मैं समझता हूँ भारत एक बहुत बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर था जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजी चमक रही थी, लेकिन बारिश ने उसमें खलल डाल दिया और ये जो मैच दिलचस्प हो सकता था ये अब उतना दिलचस्प रहा नहीं, क्योंकि आज भी आपने बताया कि बारिश हो रही है, खेल रुक जाएगा, आज उतना पूरा हो नहीं पाएगा ऐसा लग रहा है। अगर बारिश हो रही है तो पहले ही वहां पर काफी गीला एक गड्ढा जैसा पड़ा हुआ दिख रहा था, तो ये खेल के लिए कोई अच्छी बात नहीं। तो खेल समय पर अगर नहीं चला और शॉर्टेंड मैच रहा, छोटे छोटे ओवर का 25 ओवर का खेल आ गया, तो उसमें जो शक्तिशाली टीम को नुकसान होता है, जो पहले बल्लेबाजी कर रही टीम उसको नुकसान हो जाता है, मालूम रहता है। लेकिन एक चीज मनोज जोशी जी, चूंकि अभी उन्होंने पिच की बात की, सुशील साहब ने, चूंकि पिच में नमी है, गड्ढों का भी जिक्र उन्होंने किया, हमारे दो ऐसे खिलाड़ी हैं चाहे जसप्रीत बुमराह हो चाहे केएल राहुल है, जो अभी चोट से अभी उन्होंने रिकवरी की है, जब इस तरह की पिचेस पे जहां पर नमी हो, जहां पर फिसलन ज्यादा हो, तो वहां पर चोटिल होने का दोबारा भी खतरा ऐसे खिलाड़ियों का बना रहता है। नहीं, मेरे ख्याल से ये एक भ्रम की स्थिति है, क्योंकि मुझे लगता है कि जब पूरी तरह से ग्राउंड मुकम्मल तौर पर सूख नहीं जाता तब तक खेल शुरू नहीं हो सकता। कल अगर आप देखें तो बारिश पूरी तरह से रुक गई थी और तब भी खेल शुरू नहीं हुआ, क्योंकि अंपायरों ने बहुत जल्दी जल्दी जो है निरीक्षण किया, 7:30 बजे, 8 बजे, फिर 8:30 बजे, जबकि 15 मिनट उन्होंने निरीक्षण में भी लगाए, यानी जाने में आने में, और उसके बाद सिर्फ 15 मिनट का उन्होंने वक्त दिया। इससे ये जाहिर होता है कि वो किसी भी कोई भी पल अपना वेस्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर जो पिच है, पिच का अगर कोई पैच अगर गीला हो जाता है, गीला रह जाता है, जैसे कल दूर वाले छोर से मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, डीप मिड विकेट की तरफ जरा थोड़ा गीला था मैदान, और यहाँ जो बॉलिंग रनअप था वो थोड़ा सा मैदान वहाँ का गीला था, तो अंपायरों ने कोई जोखिम नहीं लिया, तो ये खिलाड़ियों को लेकर जोखिम वाली स्थिति तो नहीं है मैं कहूँगा। लेकिन हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि यहाँ जो है बॉल जो है थोड़ा सा गीला हो जाता है जब, तो भारी होता है, स्विंग नहीं होता, ये पाकिस्तान को इसका नुकसान हो सकता है। लेकिन उसके बाद क्योंकि भारत ने गेंदबाजी करनी है, पाकिस्तान ने तो 25 ओवर की गेंदबाजी करनी है और भारत को ज़्यादा ओवर की गेंदबाजी करनी है, जितना भी ओवर मुकम्मल तौर पर पूरे होंगे तो भारत को भी वो स्विंग कराने में दिक्कत आएगी जो 25 ओवर में पाकिस्तान को आएगी। ये एक बड़ा फर्क है, ये स्विंग की दिक्कत आएगी। चूंकि आपने गेंदबाजी का जिक्र किया तो हसन दुरानी साहब से ये सवाल बनता है, क्योंकि सुशील साहब ने कहा कि पहले मैच में जो पाकिस्तान की गेंदबाजी में जो धार थी वो ये दूसरे मैच में देखने को नहीं मिली, और यही वजह है कि जो शुरुआती हमारे प्लेयर्स थे उन्होंने अच्छा स्कोर किया। जी बिल्कुल, जैसे देखिए मैंने जो है अपने
बात शुरू की, तो उसमें स्टार्ट में मैंने बिल्कुल यही बात की थी कि इंडिया की जो बैटिंग थी, जो उनका जो ओपनर्स जो थे, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की, उन्होंने बेसिकली काउंटर अटैक किया, बिल्कुल उसी तरह मुझे नजर आया जैसे एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया की टीम जो थी वो बॉलर्स को अटैक करती होती थी और उसके बाद वो एक लंबा स्कोर खींच के लेके जाते थे। लेकिन ये बात, ये कहना बात बिल्कुल दुरुस्त भी नहीं है कि पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी नहीं की। अगर पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की होती, जैसे अभी आपने कहा नसीम शाह का स्पेल देखा, ओपनिंग स्पेल आपने देखा, उसके बाद दूसरी बात भी बात यह कि जो बात करते हैं अगर शाहीन की बात करें, तो शाहीन को बेसिकली वो स्विंग और उस तरह की वो जो है इन डिपर के अंदर उसको वो सपोर्ट नहीं मिल रही थी ऑन एयर और विकेट के साथ, जो कि उसको उससे पहले ले रहा था, जो कि हवा के अंदर ही बॉल को जो है वो आगे फेंक रहा था, और उसके ऊपर वो जो है उसने लास्ट मैच के अंदर भी आपने देखा है कि जिस तरह उसने जो है उसने इंडियन कैप्टन को जो बोल्ड आउट किया और उसके बाद उसने जो था विराट को भी किया। लेकिन दूसरा जो हमारा इस वक्त अगर मैं बात करता हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक ओपनली अगर मैं बात करता हूँ, हमारा जो बिगेस्ट लिंक है वो स्पिनर्स हैं जी। स्पिनर्स जो है ठीक है अभी वो आपके सामने है, वो आपके सामने नजर भी आ गया, लेकिन आप ये देखेंगे जैसे ही शादाब खान ने विकेट ली अपना रोहित शर्मा की, उसके बाद से आफ्टर द विकेट उन्होंने कंटिन्यूसली 24 बॉल्स करवाई और 24 बॉल्स के अंदर उन्होंने सिर्फ 15 स्कोर दिया। और उससे पहले जो था वो आपके सामने था कि वो जिस तरीके से बुरे तरीके से रोहित शर्मा ने और शुभमन गिल ने उनको जो हम लोग कहते हैं ना फेंटा चढ़ाया क्रिकेट इस बार में, उन्होंने एक अच्छा स्कोर एक जो है वो लेके गए। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे दूसरी विकेट जब गिरी है, शुभमन गिल की जब विकेट गिरी है, उसके बाद से बहुत ज्यादा चीजें जो थी वो अंडर द कंट्रोल आ गई। और एक वक्त में जहां पे इंडियन टीम जो थी वो 8 से ज्यादा की एवरेज से स्कोर बना रही थी, जो कि एक एक वक्त में लग रहा था तकरीबन 350 के करीब स्कोर बना लेंगे, लेकिन दो विकेटों के गिरने के साथ वो आपके सामने है कि वो एवरेज जो थी वो नहीं। हालांकि मुझे लगता है कि हसन दुरानी साहब जिस तरह से मैच आगे बढ़ेगा उस तरह से रन और भी होंगे, क्योंकि लास्ट के 10 ओवर जो है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल माने जाते हैं और उसमें रन भी ज्यादा आते हैं। तो अब देखना यह होगा कि बैटिंग किस तरह से आगे बढ़ेगी, लेकिन इंतजार हमें इस बात का भी करना पड़ेगा कि कहीं इंद्र देवता बारिश ना करा दें। हसन दुरानी साहब, सुशील दोषी साहब और मनोज जी, आप तीनों हमारे साथ बने रहेगा क्योंकि बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद फिर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि क्या आज भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच है वो पूरा हो पाएगा कि नहीं। हालांकि सुबह कोलंबो में बरसात हुई थी लेकिन बाद में धूप निकल गई थी, लेकिन अभी भी हल्की बूंदाबांदी है। इंतजार दोपहर 3 बजे का करना होगा जब अंपायर इस बात का फैसला लेंगे कि आगे की मैच आज शुरू होगा या नहीं। बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।